प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खी लाकतली लाल एडिया मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बातों पलनवालु निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन सजन मेरा चल गया अब रहूंगी किन विध की ना वस्त गई जब हाथ थे अब रोवना रात दीना अब रोवना रात दीना सजन मेरा चल गया अक्षरातीत प्राणवल्लभ प्राण प्रियतम महामति के धाम दिल में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ हम सब ब्रह्मात्माओं को एक प्रकाश हिंदुस्तानी की वाणी के माध्यम से श्री प्राणनाथ की पहचान करवा रहे हैं। अभी हमने मंगलाचरण के रूप में सुना कि मेरे जीव के यही जीवन और हम एक और छुपाई के माध्यम से भी हम बोलते हैं कि श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। आज हमारे समाज में जो भ्रांतियां हैं हमी सेवा पूजा के माध्यम से उसी के अंदर संध्या आरती हो सुबह की मंगला आरती हो या कोई पण पद भोग आरती के माध्यम से या जीर्णा के माध्यम से सुंदर सा जी श्रीराज जी को अक्षरातीत प्राणनाथ प्राणघन प्राणेश्वर प्राणेश या अनेक रूपों से हम पुकारते हैं या ज्ञान स्वरूप से हम जानते भी हैं। तो आखिर प्राणनाथ कौन? मैंने अभी बोला कि हमारे समाज में जो भ्रांतियां हैं कौन सी भ्रांतियां? हमारा समाज का एक वर्ग महाराज ठाकुर का तन क्या मैं आपको एक प्रश्न पूछ रही हूं उसी को प्राणनाथ कहते हैं क्या जो केशव राय ठाकुर के पुत्र थे या इंद्रावती की आत्मा को प्राणनाथ कहा क्या या हम सुंदर सा जी महामति शब्द भी प्रयोग करते हैं ने कि पांचों मील भई महामत वेद कते वो पहुंचिया शरत तो क्या महामति को प्राणनाथ कहा गया? नहीं ध्यान से सुनिए श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ ढूंढ काढ़नो अपनो साथ महामती खेले अपने लाल सो अक्षरातीत कहियो
हम अभी दो ही छुपाई के एक एक चरण को समझेंगे। तो यहाँ कहा क्या कहा गया, श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ ढूंढ काढ़नो अपनो साथ। चकला मंदिर के अंदर गांगजी भाई के घर में जब सतगुरु धनी देवचंद्र जी चर्चा कर रहे, तब सुंदर सात को ये वचन से प्रबोधित कर रहे सुंदर सात जी कि श्री मुख वचन, तो जो देवचंद्र जी मथु मेहता के जो पुत्र जो सामने बैठे हो, वो तो सिर्फ यहाँ का एक शरीर, एक तन है, एक वजूद है, लेकिन उसी तन का आधार लेकर जो अंदर सुंदर बाई श्यामा जी स्वरूप सुंदर बाई बैठी है, और उसी धाम दिल के अंदर युगल स्वरूप विराजमान है। वो युगल स्वरूप को यहां प्राणनाथ कहा गया। प्राणनाथ आवेश को कहा गया, जो प्रथम दिन ब्रज के अंदर लीला हुई कृष्ण के तन के अंदर, तो उसी के अंदर जब गोकुल के अंदर वसुदेव ने जिस बालक को पहुंचाया नंद के कुमार, हमने बोला ने आज बधाई ब्रज घेर घेर प्रगटी असी नंद कुमार, तो जो बालक को गोकुल के अंदर वसुदेव के वहां पहुंचाया, और हम प्रगटवाणी के माध्यम से भी सुनते हैं समझते भी है कि मूल सुरत अक्षर की जे जिन चाहिया देखो प्रेम मूल सने, सो सुरत धनी को ले आवेश नंद कर कियो प्रवेश। सो सुरत धनी को ले आवेश, बस इतने ही चरण को समझ लो। तो क्या लेके आए मूल स्वरूप का आवेश लेके आए, तो चाहे व्रज के अंदर लीला की हो कृष्ण के तन के अंदर, तन तो कृष्ण का था लेकिन लीला करने वाले कौन थे, मेरे प्राण नाथ, और रास के अंदर तन तो श्री कृष्ण का था लेकिन लीला करने वाले कौन थे, ऐसे रास रमत खेले प्राणनाथ, हम रास के अंदर भी चरण के माध्यम से सुनते हैं ना सुंदर साह जी, कंठ बाहोड़ी खेले सी प्राणनाथ, तो जो रास के अंदर भी कृष्ण का तन धारण किया था उसी तन के अंदर भी कौन बैठे थे, राज्य का जो आवेश उसी को प्राणनाथ कहा गया। और तीसरे दिन में जब मोहम्मद साहिब की लीला हुई तो उसी के अंदर श्री राज जी का आवेश नहीं आया, सिर्फ अक्षर की आत्म और जबराइल के जोश ने लीला की। और आज यहां ये जो प्रसंग है, सजन मेरा चल गया, तो जिसको हमने प्राणनाथ कहा, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, जो मेरे आत्म के प्राणनाथ मूलपति प्रियतम प्राणेश प्राणेश्वर अक्षरातीत, जिसको सच्चिदानंद कहा गया पर ब्रह्म कहा गया, उसी प्रसंग को यहां सजन मेरा चल गया। मूल प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हुए, या इंद्रावती की आत्मा का क्या विरह है, क्या दर्द है, क्या तीस है, कि हे मेरे प्राणेश्वर, हे मेरे प्राण घन, हे मेरे प्राण दुल्हा, आप मेरी आत्म को जागृत करने के लिए चौथे दिन के अंदर देवचंद्र जी का तन धारण किया, सतगुरु स्वरूप स्वयं अंदर युगल स्वरूप बैठे श्यामा महारानी सुंदरबाई स्वरूप बैठे, और आप मेरी आत्म को जागृत करने के लिए आए, और मैं नींद में रही, मैं आपको पहचान नहीं कर सकी, और इसी प्रकरण के अंदर ही आगे कहा गया कि सा आए थे मेरे घर और पीयू जी पुकार पुकार कर चले गए,
तो क्या ये प्रसंग आज इसी समय हमारे पर नहीं घटित हो रहा है क्या? मैंने अभी बोला ने कि हमारे समाज के अंदर भी भ्रांति है, मैं इस प्रसंग को आगे स्पष्टीकरण करूंगी कि हम ही सेवा पूजा के माध्यम से, चाहे सुबह की सेवा हो प्रातःकालीन, जिसके अंदर हम प्रभाती में भी बोलते हैं प्रात सुमरु अक्षरातीत बोलते हैं ना, तो अक्षरातीत कौन है? जो क्षर अक्षर से परे है, क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत, वही हमारे प्राणों के प्रीतम प्राण नाथ है। और हम भोग में भी, संध्याकालीन भोग में भी बोलते हैं जीवन आ ए श्रीराज महाराज भवन में बोलते हैं ना, यही आज सब मंदिरों में, पुरियों में, हमारे धाम में बोला जाता ना संध्याकालीन भोग में। छत्रसाल के घर कौन आए थे? कौन आए थे सुंदरसा जी? क्या कोई देवी देवता, क्या कोई तपस्वी ऋषि मुनि पैगंबर तीर्थंकर या अवतारों में? कृष्ण 24 अवतार, उसी में भी 22वां अवतार कृष्ण। और प्राणनाथ जी की वाणी स्पष्ट कर रही है कि सुख के अवतार सब कहे बुद्ध में रहिया उर्जाए, मतलब 22वां अवतार कृष्ण का भेद भी भागवत नहीं खोल पाई। 10वें स्कंद के अंदर अखंड ब्रज और रास का तो वर्णन किया, लेकिन कृष्ण के जो 3 भेद है, कृष्ण कृष्ण तो सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, तो 22वें अवतार कृष्ण के भेद 3 है कि 11 साल और 52 दिन की लीला में अक्षरातीत के आवेश ने लीला की, और 11 दिन की, 7 दिन की गोकुल की, और 4 दिन की मथुरा की लीला में गौलों की शक्ति ने लीला की, और 112 साल की बैकुंठवासी विष्णु की लीला हुई। क्या ये भागवत स्पष्ट कर पाएगा? जवाब दो सुंदर साहब जी, ये भागवत स्पष्ट कर पाएगा क्या? नहीं। अभी मैं एक दिन भागवत कथाकार, जो हमारे समाज के अंदर सुंदर साहब जी प्रमुख है, मैं उसका नाम नहीं दूंगी, मैं उसी के मुख से सुन रही थी वीडियो के माध्यम से ये वीडियो, तो उसी के अंदर जब भागवत का वर्णन हो रहा था, तो जब कृष्ण को, जब परब्रह्म और अक्षरातीत प्राणनाथ के स्वरूप में घोषित कर रहे थे, और इतना नहीं ढोल नगारा बजा बजा के कि नहीं यही मूल मिलावे में अक्षरातीत कृष्ण ही है, इतना ठोस दावे के साथ बोल रहे थे, सुंदर सा जी मेरे को दुख हुआ कि यही कृष्ण की लीला को तो द्वापर के अंदर सुखदेव ने भी भागवत के 10वें स्कंद में भी तो जाहिर की, उसी के बाद यही भागवत कथाकारों जो भी हो, और हम वित्त के माध्यम से भी कई भागवत कथाकार के नाम सुनते हैं, चाहे सुंदर सा जी कांजी भट्ट हो या हरजी व्यास हो या लालदासी, चलो लालदासी तो परमधाम की ब्रह्मात्मा थी, आसबाई की आत्म थी, लेकिन आपने कांजी भट्ट का प्रसंग श्याम जी मंदिर वाला सुना होगा, जब दर्शन हुआ
तो आज हमारे समाज में ये भी भ्रांति है कि 14 साल निष्ठाबंद भागवत सुना देवचंद्र जी ने, इसीलिए दर्शन हुआ। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि भागवत सुन के देवचंद्र जी को दर्शन हुआ 14 साल, तो पहले भागवत लिखने वाले सुखदेव मुनि को होना चाहिए, जिसने 10वें स्कंद में अमृत का सिंचन किया। उसके बाद जो उसके बाद उसने परीक्षित को सुनाई, उसके बाद कितने कथाकार, और उसके बाद वहां जो सब श्रोतागण सुन रहे थे श्याम जी मंदिर के अंदर, तो वहां धनवान श्रीमंत चौधरी, इन सबको पहले दर्शन होना चाहिए, और उसके बाद सुंदरसा जी देवचंद्र जी को होना चाहिए। लेकिन यहां देवचंद्र जी को दर्शन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि श्यामा जी की, सुंदरबाई की निस्बत किसके साथ थी? किसके साथ थी? अक्षरातीत प्राणनाथ श्रीराज जी के साथ थी। और 40 साल तक खोज की, लेकिन धनी को श्यामा जी ने तो नहीं पहचाना। जो पहचान लिया होता ने तो राज जी ये नहीं पूछते कि ता पर 15 दिन हुए कथा सुनते कान, ता आई के अक्के दीदार दिया, क्या तुमको, लास्ट चरण सुन लीजिए, क्या तुमको मेरी है पहचान? ये नहीं पूछते ने कि तुमको मेरी है पहचान, तो श्यामा जी ने बोल दिया होता क्या? मैं दृढ़ एक ठोस दावे के साथ कह रही हूं कि हाँ, तुम ही मेरे खाविंद हो, तुम ही अक्षरातीत हो, तुम ही मेरे प्राणनाथ हो। हाँ, अज्ञानता में इतना बोला कि तुम मेरे आत्मा के खाविंद हो, लेकिन पूर्ण स्वरूप से पहचान नहीं की। और बाद की चौपाई आप देखो ने, मिथक साहब के अंदर राज जी ने पूर्ण पहचान दी कि बाई नाम तुम्हारा सुंदर, तुम खेले ब्रज रास में, मनोरथ ना भये पूर्ण, तो तीसरो रचियो इनसे। तो भागवत सुनने के बाद दर्शन नहीं हुआ, ये स्पष्टीकरण सुंदर साजी प्रकाश ग्रंथ की वाणी कर रही है। और हम सेवा पूजा के अंदर तुम ही अक्षरातीत गिरधारी बोलते हैं ना, गिरधारी भी बोलते हैं और अक्षरातीत भी बोलते हैं, दोनों की खिचड़ी करते हैं। तो गिरधारी कौन और अक्षरातीत कौन? प्राणनाथ जी की वाणी, ये प्रकाश ग्रंथ की वाणी जो प्रकाश करी हमारे सब ब्रह्मात्माओं के दिल के अंदर, के जागणी ब्रह्मांड में जो लीला कर रहे हैं आप सबके दिलों को, जो धाम बनाया है वो प्राणनाथ को पहचान लो। यहां सुंदर साजी सुन, इंद्रावती की क्या विरह वेदना है, क्या विरह व्यथा है, क्या ये आज हमारे सब पर ये प्रसंग घटित नहीं हो रहा है? आज तक क्या हमने ये स्वरूप को प्राणनाथ के स्वरूप में जागणी ब्रह्मांड में जो महामती के धाम दिन में लीला कर रही, या चौथे दिन में श्यामा जी के धाम दिन में लीला कर रहे थे, क्या इस स्वरूप को हमने आज तक क्या पूर्ण रूप से, पूर्ण स्वरूप से पहचाना? ये प्रसंग कोई इंद्रावती पर नहीं घटित हो रहा है, उसी ने चौथे दिन की वीरव्यथा को प्रकट किया कि मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए आए और मैंने नहीं पहचाना। और मैं उसी को एक संसार की तरह गुरु के स्वरूप में मैं मानती रही और पीयू पुकार पुकार कर चले गए। कैसा रहा इस समय? एक दिन शायद 5-7 दिन पहले ही मैं बीतक के कई घटनाक्रमों का चिंतन कर रही थी कि कैसा रहा होगा इस समय आज से 400 साल पूर्व का, कि श्री जी के साथ 5000 की जमात कहीं पैदल, कहीं
जल जहाज में दरियाई जर्नी और श्री जी के साथ ज्यादातर तो पैदल ही चली और 18 साल तक चली। विक्रम सन 1722 से लेकर 40 विक्रम सन 1740 में पहुंचे पद्मावती पन्ना के अंदर। 18 साल तक पैदल चले और श्री जी के सानिध्य में यही इंद्रावती की आत्मा की व्यथा है कि मेरे सतगुरु मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे जीव के जीवन मेरे सामने थे और मैं उसकी परीक्षा लेती रही। एक पैसे भर अनाज कर दिया, मन को मैं मन की भी परीक्षा ली, रास्ता बदला, मैं गहने भी आदि के घर पे पहुंचा कि उसी में माया है। मैं पहचान नहीं पाई, वो पुकार पुकार कर चले गए। आज ही हमारे लिए सुंदरसा जी स्थिति तो वही है, स्थिति तो वही है। पहचान ले हम, ये सुंदरसा जी आखिर का समय चल रहा है, हमको ये अवसर दिया गया है। ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। अब जाग देखो सुख जागनी। अभी कल सुंदरसा जी ये कलश की वाणी के अंदर आएगा कि अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग। तीन लीला चौथी घर की चारों का या में भोग, चाहे व्रज का सुख लेना है, चाहे रास का सुख लेना है, या चौथे दिन का जागनी का सुख लेना है, या जागनी रास का, ये जो आनंद है ना ये अभी है, नहीं ये मैं व्रज में ले पाए। ब्रह्म सृष्टि आती ब्रज रास में, प्रेम तो लक्ष्य बीन सो लक्ष्य लिया अवल रूह अल्लाह। चौथे दिन में भी सतगुरु श्यामा जी स्वरूप युगल स्वरूप बैठे हुए धाम दिल में चर्चा कर रहे गांगजी भाई के घर या उसी के बगीचे में। अभी आज का जो मूल मंदिर है नौतनपुरी, वहां व्रज की लीला वर्णन करे, रास की लीला का वर्णन करे, परमधाम के कई पक्षों का कई लीलाओं का वर्णन करे, लेकिन सुंदरसा जी 313 आत्माएं जागी। फिर क्या हुआ? ये वाणी नहीं थी, न था आखिरी इलम पूरण, ये वाणी नहीं उतरी थी, तो हुआ क्या? सब फिर माया की नींद में। सुबह स्वामी जी ने बताया था कई आदि का लीलाएं हुई, कई कई दिन सोने की कंसुड़ी, कई मिठाई, कई मक्खन की छींटे दीवाल में, सुंदर साथ उसी में सम्मोहित हो गए, आकर्षित हुए। लेकिन ये जो चौथे दिन में जो सुख लिया, इसे करोड़ों गुना ये पांचवे दिन का जो सुख है सुंदरसा जी, ये पांचवे दिन का जो सुख है, मैं क्या कहो, जो पहचान, ये सिर्फ इंद्रावती की आत्मा की दिल की पुकार नहीं है। उसी ने अब से में कोई माला नहीं घुमाई, कोई मन के नहीं घुमाए, वहां कोई सेवा पूजा नहीं की। अब से के अंदर क्या किया? जब आंसू की आंग थे तब श्वास भी छोड़ियो सांग, तब तुम पर्दा ताल के आवेश दियो मोए अपनो अंग सनमंद हे मूल को मैं तो पाऊं पल छ
छोड़ियो न जा। और बाद में जब अंदर सुंदर साथ जी 8 मास गल गए, रक्त सूख गए, आह भी निकल गई, तुम आए सब आए, तब धनी सामने प्रकट हुए। और पहले देवचंद्र जी का स्वरूप दिखा, बाद में श्यामा जी का स्वरूप दिखा, फिर पता चला उसी के अंदर युगल स्वरूप का दीदार हुआ। तब जाके ये प्रकाश की वाणी सुंदर साथ जी, ये तो हिंदुस्तानी है, अनूप शहर में प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी सुंदर साथ जी अवतरण हुआ, हो गए ठीक है। ये वाणी जो प्रकाश गुजराती की है, तो रास प्रकाश और शत्रुति और कलश की दो चौपाई कहां उतरी, जामनगर नवानगर के अंदर, प्रबोधपुरी के अंदर। और विरहा न देवे बैठने उठने भी ना दे, लोट पोट भी ना करे, और हुक हुक श्वास, समय नहीं है 3 मिनट ही बचा है, सुंदर साज में एक एक शब्द जो बोल रही हूं ने, उसी अवस्था में ये प्रकाश की वाणी उतरी है। कोई ढोल नगारा या नाच कूद या डांडिया खेलते खेलते या सेवा पूजा करते करते आज की जो समाज की मैं स्थिति देख रही हूं कि कोई जन्मदिन मना रहे, कोई वान रास गरबा खेल रहे और लाखों के भंडारे कर रहे, लेकिन वाणी की चर्चा का एक 5 मिनट भी सागर सिंगार की तो दूर की बात रही। सुंदर साजी शायद किरंतन तक की भी वाणी कोई एक प्रसंग वाइज सुनने को मिलती हो तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। यही मंच में सुंदर साजी, मैं कोई प्राण ज्ञानपीठ का कोई सिफत प्रशंसा नहीं कर रही हूं, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है क्या जो पूरे समाज के अंदर वाणी का सही रूप में जो प्रचार प्रसार हो रहा है, तो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से बोलो श्री प्राणनाथ सही रूप में भाषाओं में पिछली साल, आपको पता है ना सुंदर साथ जी कितनी भाषाओं में कन्वर्ट किया गया, 133 भाषाओं में। और कितनी किताबें यहां से विमोचन हो चुकी, अभी कोई बाकी रहा, ये चरण पूरा नहीं हो रहा, करना भी नहीं है, ये पूरा चरण सिर्फ इंद्रावती की आत्म श्यामा जी की आत्म के 400 साल पहले चले उन ब्रह्मात्माओं के लिए नहीं, ये आज जो पंडाल में बैठे हैं इन सब ब्रह्मात्माओं के, और जो नहीं आए मीडियो के माध्यम से देख रहे उन सब ब्रह्मात्माओं को मैं आज एक दिल से आह्वान कर रही हूं, निवेदन आपके श्री चरणों में कर रही हूं कि सुंदर साथ जी अब संध्या समय धनी सात कारण रहसी, संध्या समय धनी सात कारण रहसी। सुबह से वैसे तो रात ब्रजरास की लीला, रात आधी रात और आधी जागृति, और सुबह हुए मोहम्मद साहब आए, उसके बाद उजाला थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ, चौथा दिन की लीला हुई, और पांचवें दिन में पूरा दोपहर का सूरज मध्याह्न का जो सूरज एकदम तपे हुए सूर्य उग गया। सुंदर साथ जी रात पड़े त्यारे कोई न जागे, कोई न करे पुकार जी हमारे लिए, ये जो उजाला और अभी संध्या का बस सूर्यास्त होने वाला है, सनसेट होने वाला है, अब बस अभी ये जो अवसर दिया है ने, बस सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, बाकी जो इंद्रावती की एक आत्म के लिए नहीं, अभी मेरी लखनऊ में मैं 2 मिनट ज्यादा ले रही हूं, एक प्रसंग को बता रही हूं। सुंदर साह जी हमारे समाज के अंदर कई परमंश हुए, उसी में मैं 5 परमंश ने जो जिंदा जीते जी समाधि ली है, उसी में 5 परमंश का मैं नाम और एक प्रमाण देती हुई बस वाणी को विराम दूंगी। 5 परमंश जीते जी
और समाधि लेने वाले उसी में चतुर दास, चेतन दास, युगल दास जी महाराज, जीवन दास और मुकुंद दास अहदि। वो मुकुंद दास नहीं, सूरत वाले नवरंग स्वामी ने, मुकुंद दास अहदि, चतुर्दास और चेतन दास, चेतन दास गंगापुर बिहार, चतुर्दास कंचनपुर मटिहारी और युगल दास भांडे दतिया जिला और जीवन दास आगरा के पास में गांव है, मेरे को चुको है अभी याद नहीं है। और पांचवा मुकुंद दास अहदि, अभी मैं मलियाबाद दर्शन करके अभी बीतक चल रही थी मेरी लखनऊ में, तो लखनऊ बीतक के टाइम एक दिन मेरे को थोड़ा दो तीन घंटे का टाइम था तो मैं चली गई मलियाबाद, तो वहां सुंदर शाह जी उसी प्रसंग को आप सुनते ही आपको रोना आ जाएगा। घटनाक्रम शायद सबने तो नहीं सुना होगा, विद्वत जन या कोई हमारे गिने चुने सुंदर साथ ने सुना होगा, मैं दो मिनट ज्यादा लेके ये प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। सब परमंशों की लीला तो अनोखी है ही, विचित्र ही है, लेकिन मुकुंद दास अहदि की मैं अभी दर्शन करके वहां थोड़ा ध्यान करने का समय मिला, ये सुनाती हूँ कि मुकुंद दास अहदि की कैसी लीला है। यहां भी इंद्रावती की आत्म की भी तो यही पुकार है, सजन मेरा चल गया। यहां मुकुंद दास अहदि मलियाबाद के पास में गांव है बासा करके, तो उसी गांव का गांव के बतनी थे। और जब सुंदर साथ जी मुकुंदासी के घर श्री जी की प्रत्यक्ष लीला, मौजूद लीला मतलब प्रत्यक्ष लीला चल रही थी, आज से 400 साल पूर्व की एक घटना है, तो उसी समय मुकुंदा सहदि इस जागनी यात्रा में जुड़ नहीं पाए थे। तो एक दिन प्राणना जी स्वयं मुकुंदासी के घर पर पहुंचे और मुकुंदासी गाय चराने के लिए जंगल में वन के अंदर गए थे और घर में अपनी बूढ़ी माता जी और पत्नी सब थे। वहां जाके प्राणना जी स्वयं दरवाजा खटखटाया और बोले कि माता जी, वहां जाके बोले तो माता जी अंदर से बाहर आई और बैठे बोले कि बैठिए आप कहाँ से आए और लो जल भी लेके आई। तो बोले कि मुकुंद कहाँ है, तो बोले मुकुंद तो अभी गाय चराने के लिए वन में गए हैं। तो बोले कि मुकुंद को बोल देना कि बुंदेलखंड पन्ना से प्राणनाथ आए थे। क्या बोलना, बुंदेलखंड पन्ना से प्राणनाथ आए थे, बस इतना बोला। माता जी का लाया हुआ जल भी नहीं पिया प्राणनाथ जी, बस इतना कह के वो वहां से निकल गए। और बस थोड़ी क्षणों में, अभी शायद प्राणना जी की तो लीला ही विचित्र है धनी की, बस आगे ही थोड़े एकाध दो दस कदम आगे चले होंगे, तब मुकुंदासी ने घर में अपने चरण कमल रखे और महिलाओं हमारी अंदर एक भाव रहता है कि आके ही हम जो घर में दिन की बीती हुई बातें बताने लगते हैं। आके ही बोला कि बेटा कोई मुकुंद आए, सॉरी बेटा कोई प्राणनाथ आए थे। और आके बोला कि कहाँ है मुकुंद, तो बोले कि अरे वो कहाँ थे आए, कहाँ से आए थे, तो बोले पन्ना बुंदेलखंड से। बस माने सुबह से वो खाना भी अपना साथ में नहीं ले गए थे, नहीं जल ले गए थे, भूखे प्यासे थे मुकुंदासी भी। माता जी ने जल दिया, बेटा जल तो पी लो, तो बोले नहीं प्राणनाथ किस दिशा में गए, क्या बोले प्राणनाथ किस दिशा में गए। सुंदर साह जी वो नहीं सुना, जल भी नहीं पिया, बस भाग छूटे वहां से और एकाध 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर काटा होगा, इतना मेरे को पक्का पता नहीं। जंगल में रात पड़ गई, संध्या तो समय हो गई थे, तो वहां जाके क्या हुआ, बेहोश हो गए, क्योंकि पानी नहीं पिया था, भूखे प्यासे थे, बेहोश होके गिर गए। राजी स्वयं आए एक स्वरूप संत के रूप में और बोले कि बेटा कहाँ जाना है, कौन से रास्ते में, क्या आप रास्ता भटक गए हो, तो बोले हाँ मेरे को पन्ना बुंदेलखंड जाना है, तो चलो मैं हाथ पकड़ के आपको रास्ता बताता हूँ। बस हाथ पकड़ा, अपनी आंख खुली तो पन्ना में थे। बोलो श्री प्राणनाथ, बेहोश अवस्था में खड़े किया और हाथ पकड़ा,
जब हाथ छोड़ा और जब आंख खुली तो सीधे पन्ना में अपने को देखा, जंगल में नहीं देखा। कैसे निकल गए? जैसे इंद्रावती की आत्मा की पुकार थी श्यामा जी की, यही सुनसा जी मुकुंदासी यही स्थान पर लालदासी आए जा रहे थे तो दुल्हा के रूप में विवाह के लिए, शादी के लिए, लेकिन वहीं जागरी प्रचार के लिए रुक गए। बाराती को वापस लौटा दिया। एक यंग युवा के अंदर ये अंदर विरह, ये त्याग सुनसा जी ये अंदर जगा, इतना वैराग्य कि नहीं बस शादी के लिए आगे नहीं जाना है, और वहीं जागनी प्रचार के लिए रुक गए। तो मेरे सुंदरसा जी, इन वचनों से हम यही प्रेरणा ले, यही बोध ले कि हमारे अंदर भी इन प्रसंगों को सुन के त्याग जगे, अंदर वेदना जगे। हम बस जुबान से एक शब्दों के रूप में सीमित रखते हैं, लेकिन उसी के प्रति हमारी नहीं निस्बत की पहचान है, नहीं कोई संबंध की पहचान है, नहीं कोई विरह है, नहीं कोई व्यथा है, नहीं कोई वेदना। तो यही प्रसंग से हम इतना ही प्रेरणा ले, इतना कहकर वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ की जय। प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।